ये है दिल्ली दर्पण। सीलमपुर विधानसभा से भाजपा नेता कौशल मिश्रा ने तबलीगी जमात और मौलाना साद पर निशाना साधा है। कौशल मिश्रा सीलमपुर से हिंदूवादी छवि के नेता हैं। भाजपा को पहली बार सीलमपुर विधानसभा में सबसे अधिकतम वोट मिली थी। कौशल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के लोगों के जीवन को मौत के आंकड़ों में तब्दील कर दिया गया है, उसके लिए तबलीगी जमात और मौलाना साद ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने मौलाना साद को लेकर कहा कि उन्हें देशद्रोही घोषित कर फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर तकफीरी जमातियों ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी को फैलाया है, आज नहीं तो हम इस पर बहुत पहले विजय प्राप्त कर चुके होते, लेकिन एक छोटी मानसिकता का परिचय जिस तरीके से जमाती के इन लोगों ने दिया है, और इनको कराने वाले जिस प्रकार के ये धर्मगुरु मौलाना साद जैसे लोगों को, जिनको देश द्रोही की उपाधि दी जाए तो कोई संदेह नहीं है, इन्होंने राष्ट्र विरोध में काम किया है कोरोना महामारी को फैलाने का। ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और जितनी भी कानून के अंदर सख्त से सख्त सजा दी जा सकती हो, ऐसे मौलाना साथ जैसे लोगों को देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में लोगों के अंदर ये रहे कि जन हित और जन विरोध में जो लोग काम करते हैं, राष्ट्र के विरोध में जो काम करते हैं, उनका हस्त क्या होता है। ऐसा संविधान के माध्यम से कानून में सख्त से सख्त सजा मौलाना साथ जैसे लोगों को मिलनी चाहिए, और ऐसे जमाती जिन्होंने उनकी इस प्रकार से सारे वातावरण को दूषित करके पूरे भारतवर्ष में इस बीमारी को इतना बड़ा महामारी का रूप दिलाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर राजधानी में होने लगी है सियासत। ऐसे में तबलीगी जमात पर मौलाना साद का मामला फिर से गरमाने लगा है। भाजपा के नेता पूरे मामले को लेकर फिर से आवाज उठा रहे हैं। वहीं कौशल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की वजह तबलीगी जमात भी है। अगर तबलीगी जमात कोरोना फैलाने का काम नहीं करती तो दिल्ली में अब तक कोरोना समाप्त हो चुका होता। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाकर लोगों की जान बचाई, लेकिन जब यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया तो राज्य सरकार ने अपने फायदे के लिए सब कुछ खोल दिया। वहीं तबलीगी जमात ने कोरोना मामलों को बढ़ाने में घी का काम किया है। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।